आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस इंसान के बारे में जो मेरी पहली सेलिब्रिटी क्रश थी। वो जो निहायत ही खूबसूरत तो है ही, मगर साथ ही साथ एक बेहतरीन अदाकारा और एक प्रतिभाशाली डांसर भी रह चुकी है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी और लाखों दिलों पर राज किया। मैं बात कर रहा हूँ हुस्ने सरापा सायरा बानो जी की। सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था और यूं समझो कि उनकी परवरिश काफ़ी टैलेंटेड लोगों के बीच हुई थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सायरा जी की नानी शमशाद बेगम जी एक लोकप्रिय क्लासिकल सिंगर थी और सायरा जी की वालदा नसीम बानो खुद अपने ज़माने की एक नामी एक्ट्रेस थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे काफ़ी मशहूर थे, उन्हें परी चेहरा कहकर भी संबोधित किया जाता था। सायरा जी खुद भी अपनी वालदा की तरह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। सायरा जी ने अपनी स्कूलिंग लंदन में पूरी की, वहां वो अपने भाई और वालदा के साथ रहती थी। 1960 में जब वे अपने वेकेशंस में इंडिया वापस आए, तब उसी दौरान सायरा जी को अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली और वो फिल्म थी 1961 की जंगली। इस फिल्म में उनके साथ थे मशहूर एक्टर शम्मी कपूर जी। सायरा जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के पहले दिन वे एक गाना फिल्मा रहे थे। वो गाना था कश्मीर की कली हूँ मैं, और इस गाने के एक सीन में उन्हें मुड़कर शम्मी जी की तरफ देखते हुए गाने पर लिप सिंक करना था, मगर पहले दिन की शूटिंग थी और सायरा जी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और वो इस सीन को ठीक से नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारे रीटेक्स के बाद शम्मी जी बेसब्र हुए और सायरा जी को कहा कि अगर ठीक से काम करना नहीं आता तो छोड़ दो ये काम। इस पर सायरा जी सहम गई और फिर रोने लगी। सायरा जी की वालिदा उनके पास गई और उनसे कहा कि अब भी वक्त है, अपने एक्ट्रेस बनने के फैसले पर दोबारा सोचो, शायद ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन सायरा जी ने अपने जज्बातों पर काबू कर लिया। शी रीग्रुप्ड हरसेल्फ एंड वेंट बैक ऑन द सेट। वो फिर से उसी स्पॉट पर जा खड़ी हुई और अपना शॉट देने के लिए तैयार हुई। टेक लिया गया और शॉट अच्छे से पूरा हुआ और इसी तरह सायरा जी ओवरकेम हर नर्व्स और साथ ही साथ अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को भी जिंदा रखा। सायरा जी ने शम्मी जी के साथ आगे भी दो और फिल्में की, एक थी ब्लफ मास्टर और दूसरी थी जमीर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म जंगली और ब्लफ मास्टर में शम्मी जी सायरा जी के हीरो रहे, मगर फिल्म जमीर में उन्होंने सायरा जी के पिता का रोल निभाया। सायरा जी जब फिल्मों में आई थी तब उन्होंने किसी भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, जबकि उनके कई कंटेम्प्रेरीज बाकायदा ट्रेन डांसर्स थे। जब उन्हें फिल्म आई मिलन की बेला में साइन कर लिया गया था तब यह तय था कि उनके डांसिंग स्किल्स को परखा जाएगा, मगर सायरा जी इस चुनौती के लिए तैयार थी। उन्होंने फिल्म के कोरियोग्राफर मास्टर सोहनलाल जी और उस वक्त के उनके डांस असिस्टेंट सरोज खान जी के साथ मिलकर निरंतर डांस के रिहर्सल्स किए और जब टाइटल सॉन्ग को शूट किया गया तब उसमें सायरा जी की मेहनत साफ नजर आई। इस फिल्म के बाद सायरा जी को लगा कि अब उन्हें डांस में फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए और इसमें रोशन कुमारी जी जो एक बेहतरीन कथक डांसर है उन्होंने सायरा जी की मदद की। रोशन जी ने सायरा जी को कथक भरतनाट्यम और फोक डांसेस भी सिखाए। सायरा जी के डांस में फिर एक अलग लेवल की इम्प्रूवमेंट नजर आई। सायरा जी 22 साल की थी जब उन्होंने शादी कर ली और शादी भी उस इंसान से हुई जिनकी दीवानी वो 12 साल की उम्र से ही थी। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब की। जब दिलीप साहब और सायरा जी की शादी की खबर आई तब सभी के लिए यह एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इससे पहले सायरा जी और दिलीप साहब ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया था। लेकिन सायरा जी की वालदा नसीम बानो जी के साथ दिलीप साहब की अच्छी खासी जान पहचान थी और इसी वजह से वे सायरा जी से भी काफ़ी बार मिल चुके थे। सायरा जी ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो दिलीप साहब की डाई हार्ड फैन थी और उन पर पूरी तरह से फिदा थी शुरुआत में, मगर दिलीप साहब डिडंट शेयर द सेम फीलिंग्स। दिलीप साहब को सायरा जी छोटी लगती थी और यही वजह थी कि उन्होंने कुछ फिल्मों में उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। मगर सायरा जी तो इस कदर दिलीप साहब की दीवानी थी कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स को ये तक कह दिया था कि अगर उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका दिया जाए तो वो मुफ्त में भी फिल्म करने को तैयार होगी।
एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि देवानंद साहब की सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्म गाइड पहले सायरा जी को ऑफर हुई थी, मगर उसी दौरान एस फिल्म मेकर महबूब खान साहब कश्मीर की लेजेंडरी पोएटेस हब्बा खातून पर एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए वे दिलीप साहब और सायरा जी को कंसिडर कर रहे थे। दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका नजर आते ही सायरा जी ने गाइड फिल्म करने से इनकार कर दिया, मगर दुर्भाग्य से हब्बा खातून वाली फिल्म बनने से पहले ही महबूब खान साहब का देहांत हो गया और सायरा जी की दिलीप साहब के साथ काम करने की तमन्ना अधूरी रह गई। सायरा जी ने आगे चलकर ये बताया कि जब उन्होंने गाइड फिल्म देखी तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये फिल्म ना करना एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उन्हें लगा कि उस वक्त वो रोजी के कैरेक्टर के लिए काफ़ी छोटी थी और उन्होंने वहीदा रहमान जी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वहीदा जी इस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस थी। रही बात दिलीप साहब के साथ फिल्म में काम करने की, तो ये तमन्ना उनकी पूरी हुई उनके शादी के 4 साल बाद, यानी 1970 की फिल्म गोपी से, और उसी साल वे दोनों एक बंगाली फिल्म सगीना महातो में भी नजर आए। 1974 में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया सगीना नाम से। आगे उन्होंने फिल्म बैराग और दुनिया में भी साथ काम किया। 80 का दशक आते आते सायरा जी ने फिल्मों से विदा लेकर अपने घर परिवार और निजी जीवन पर तवज्जो देने का फैसला कर लिया। अफकोर्स उनके फैंस, उनके चाहने वालों ने जरूर ये उम्मीद की होगी कि वे सायरा जी को आगे भी और फिल्मों में देख पाएंगे, मगर अफसोस ये हो ना सका। बहरहाल हम आज भी सायरा जी को उनके अनेक हिट फिल्मों और गानों में देखकर उन्हें याद कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑल द मूवीज सायरा जी हैज फीचर्ड इन, माय पर्सनल फेवरेट इज पड़ोसन, विच आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों की ये फेवरेट फिल्म होगी। इस फिल्म को मैंने एटलीस्ट 6-7 बार तो देखा ही होगा और यकीन मानिए आज भी मैं इस फिल्म को बड़े मजे से देख सकता हूँ। इस फिल्म के सभी गाने भी एक से बढ़कर एक है। इनफैक्ट सायरा जी पर फिल्माया गया मेरा सबसे पसंदीदा गाना भी इसी फिल्म से है और वो गाना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार। मुझे फिल्म शागिर्द का गाना वो है जरा खफा खफा भी काफी पसंद है, और ये शायद इसलिए क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कभी खफा हो जाऊं तो वो मेरे लिए ये गाना गाए। ये तो होने से रहा। एनीवेज आप लोग भी मुझे सायरा जी पर फिल्माए गए आपके फेवरेट गाने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सायरा बानो।